अनुरुद्ध ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 377 में स्वागत है। कन्या लग्न में राहु, राहु बेसिकली राहु और केतु बिल्कुल आमने सामने बैठते हैं। राहु, केतु, शुक्र और शनि और बुध आपस में मित्र हैं। राहु मित्रों के साथ मित्र होते हैं, शत्रुओं के साथ शत्रु ऐसा काम करते हैं। राहु बेसिकली शनि की परछाई होती है और केतु मंगल की परछाई मानी जाती है। राहु वृषभ में उच्च के, वृश्चिक में नीच के, मिथुन में वृषभ में उच्च के, वृश्चिक में नीच के, मिथुन में उच्च के और धनु में नीच के माने जाते हैं। राहु की जो दृष्टि होती है, राहु ग्रह नहीं एक छाया ग्रह, राहु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो होती हैं 5, 7 और 9। तो चलिए इस लग्न में देखते हैं राहु कैसा फल दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। राहु अगर लग्न में आते हैं मित्र राशिवत हो जाते हैं, यहाँ पर अच्छा फल देंगे, यहाँ से रिलेटेड लग्न को मजबूत करेंगे। सातवें घर में बिजनेस प्रोफेशन को अच्छा करेंगे। पाँचवें घर में संतान संबंधी समस्याओं को कम करेंगे, होने नहीं देंगे, आय को बढ़ाएं, मतलब इससे रिलेटेड जितने भी कारक चीज़ें उसको बढ़िया कर देंगे। यहाँ से दृष्टि डालते हैं नवे घर में तो पितृ सुख, इसके अलावा धर्म, इस सब चीज़ों को वो मानने वाले होते हैं क्योंकि वो अपनी मित्र की राशि में आ रहे हैं। अगर वो आते हैं दूसरे घर में तो यहाँ भी मित्र की राशि में आते हैं, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। यहाँ पर वाणी कुटुंब सब अच्छा, यहाँ से दृष्टि 1, 2, 3, 4 पाँचवीं दृष्टि जो रोग ऋण बाधा है, शत्रु है, उस पर नियंत्रण करेंगे। इसके अलावा जो 8 और 9 दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दृष्टि, यहाँ से जो बड़े बड़े कष्ट हैं, मृत्युतुल्य कष्ट हैं, उसको कम करेंगे, उस पर नियंत्रण लाएंगे। 8, 9 यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन सब अच्छा हो जाएगा। तीसरे घर में वो नीच के हो जाते हैं, बहुत ख़राब फल देंगे, यहाँ कभी अच्छा फल नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर बैठ के वो छोटे भाई बहनों से कलह कराएंगे, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलने देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि बिजनेस प्रोफेशन खराब, 6, 7 दृष्टि पिता भक्त नहीं होंगे, धर्म पर क्वेश्चन करने वाले होंगे। 8, 9 दृष्टि बड़े भाई बहनों से कलह, आय को रोक के रखेंगे। चौथे घर में वो नीच के हो जाते हैं, यहाँ भी माता का सुख, गाड़ी का सुख, बिजनेस प्रोफेशन 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से बड़े बड़े जो कष्ट हैं उनमें और बढ़ोतरी करेंगे। 6, 7, 8, 9 जो हॉस्पिटल के खर्च और कोर्ट कचहरी के खर्च लगातार बढ़ाते जाएंगे। अगर आते हैं पाँचवें घर में, पाँचवें घर में वो मित्र की राशि में हो जाते हैं, यहाँ से संतान संबंधी सुखों में वृद्धि करेंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे इस घर पे तो बड़े भाई बहनों से अच्छा होगा, आय के स्रोत बनेंगे। 1, 2, 3 संबंध अच्छे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से आस्तिक होंगे, पितृभक्त होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लग्न को मजबूत करेंगे। अगर वो आते हैं ग्यारहवें घर में कभी भी, सॉरी अगर आते हैं छठे, आठवें और बारहवें, इन तीनों घरों में वो कभी अच्छा फल नहीं देते हैं। छठे घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, रोग ऋण बाधा, बड़े बड़े खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचहरी के खर्चे, 1, 2, 3, 4, 5 बिजनेस प्रोफेशन को ख़राब करेंगे। यहाँ से आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 परिवार कुटुंब पे भी खराबियों करने का वो काम करेंगे। अब अगर वो आते हैं सातवें घर में तो सातवें घर में वो शत्रुवत हो जाते हैं, यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे, बिजनेस प्रोफेशन को ख़राब करेंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे लग्न को कमज़ोर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बड़े भाई बहनों से कलह, इसके अलावा आय से संबंधित चीज़ों में भी वो दिक्कत कर सकते हैं। यहाँ से दृष्टि डालेंगे वो नवे घर में तो मेहनत का रिजल्ट नहीं आने देंगे, छोटे भाई बहनों से दिक्कत करेंगे। अगर आते हैं वो आठवें घर में कभी अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ पर राहु केतु कभी अच्छा फल नहीं देते, आठवें घर से संबंधित कष्ट को बढ़ाएंगे, दशांतर दशा में यहाँ पर रुकावटें रुकने का नाम नहीं लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 बड़े बड़े खर्चे, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी वो बढ़ जाएगा। 6, 7 परिवार कुटुंब से दिक्कतें हो जाएंगी। 8, 9 माता सुख, गाड़ी सुख में कमियां लाएंगे। राहु देव अगर आते हैं नवे घर में उच्च के गिने जाएंगे, बहुत बढ़िया फल देंगे, पितृभक्त होंगे, आस्तिक होंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लग्न को मजबूत करेंगे। 6, 7 यहाँ से पराक्रम का फल दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों से अच्छा पटेगा। इसके अलावा 8 और 9 यहाँ से संतान संबंधी सुखों को बढ़ाएंगे। यहाँ से लॉटरी सट्टे पे भी आदमी लव अफेयर्स इस तरह की चीज़ों में भी जाने देंगे। अगर यहाँ आते हैं दसवें घर में बिजनेस प्रोफेशन अच्छा, माता सुख, गाड़ी सुख 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे भी अच्छा करेंगे, परिवार वाणी कुटुंब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ स्क्वायर को भी अच्छा करेंगे। 8, 9 तो छोटी मोटी जो रोग ऋण बाधा और जो शत्रु हैं उनको भी ठीक करेंगे। इस घर में आने पर कभी अच्छा फल नहीं देंगे, शत्रु क्षेत्रीय हो गए, लाभ को रोकेंगे। यहाँ से जो दृष्टि आएगी यहाँ पर संतान सुख में कमियाँ करेंगे। यहाँ से दृष्टि आएगी जो पाँचवीं 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों से दिक्कतें करेंगे, पराक्रम का फल नहीं मिलने देंगे। 6, 7, 8, 9 यहाँ से बिजनेस प्रोफेशन सॉरी लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर रोजमर्रा की इनकम को ख़राब करेंगे। 12वें घर में राहु कब भी अच्छा फल नहीं देते, यहाँ पर और शत्रु राशि में हो गए, शत्रु राशि यानी चंद्र की सूर्य की राशि, सिंह राशि, यहाँ से दृष्टि तो यहीं पर खर्चे बढ़ाएंगे, अनियंत्रित करेंगे चीज़ों को, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी 1, 2, 3, 4, 5 माता सुख, गाड़ी सुख खराब,
छः सात यहाँ से खराब करेंगे, रोग ऋण बाधा 8 9 यहाँ से जो बड़े बड़े कष्ट हैं उनको और बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये था कन्या लग्न में राहु। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो तक नमस्कार।